बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम ऑप्टिकल फाइबर्स का एक चैप्टर नंबर 10 का जो आर्टिकल नंबर 10.9 है उसको डिस्कस करेंगे, फाइबर ऑप्टिक्स प्रिंसिपल्स। सो इससे पहले वीडियो के अंदर इंट्रोडक्शन टू ऑप्टिकल फाइबर्स लिया, आज की वीडियो हमारी जो है वो है ऑप्टिकल फाइबर प्रिंसिपल एंड नेक्स्ट वीडियोस के अंदर टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स, सिग्नल ट्रांसमिशन एंड लॉसेस ऑफ पावर को हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद ऑप्टिकल principles of the optical fiber. So the propagation of light through the fiber optics required that the light should be confined within the fiber. So is condition ko pura karne ke liye ab hume kya karna padta hai, this may be done by two methods. Ab do methods ko hum use karte hain jo ke actually mein kya hote hain, known as the principles of the optical fiber. So first one is the total internal reflection. So total internal reflection ko hum aage details se padhte hain. Second one is the कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन मेथड। सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की अगर आपको एक एग्जांपल दूं तो हमारे पास एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है, उसको हम एयर मीडियम से वाटर मीडियम में डाल रहे हैं, ठीक है। देन वो वहां से बेंड होने के बाद वापस इस मीडियम में आ रही है। अब इसका जो एक प्रोसीजर है कि ये इसी किसी क्या एक खास एंगल पे इसके अंदर इंटर होगी तो वहां से ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। अगर इसको मैं थोड़ा सा टिल्ट करके यहाँ से इस तरह से लाइट देता तो क्या ये सीधी ऊपर निकल जाती है, फिर भी ये टोटली रिफ्लेक्ट हो जाती। सो ये चीजें हम आगे अपनी इस वीडियो के अंदर देखेंगे। सो प्लीज अपने पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए ये पूरी वीडियो देखते रहिए। सो दिस इज द कंटीन्यूअस रिफ्रैक्शन। अगर आप देखें रेनबो जो है दैट इज द स्पेक्ट्रा जिसको हम अपने लाइट के अंदर ऑब्जर्व करते हैं आफ्टर रेन, जब वाटर की जो स्मॉल ड्रॉप्स सस्पेंडेड होते हैं एयर के अंदर उनके ऊपर जब एक स्पेसिफिक एंगल पे लाइट पड़ती है तो फिर वहां पे क्या होता है कि हमारे पास जो एक हमें रेनबो नजर आ रही होती है, जो कि स्पेक्ट्रा होता है जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं। तो इसमें देखिए कि हमारे पास कंटीन्यूअस रिफ्रैक्शन है, जैसे जैसे रेनबो नेक्स्ट मूव करती जा रही है तो उसके अंदर रिफ्रैक्टिव उसके अंदर रिफ्रैक्शन आ रही है और वो कंटीन्यूअसली एक कर्व की शेप ले रही है। सो एक्चुअली दैट वुड बी हैपन इन ऑप्टिकल फाइबर्स जिनके अंदर हम ये वाला मेथड यूज करेंगे कंटीन्यूअस रिफ्रैक्शन। सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के साथ मूव करते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है इस पे मेन इसके जो पैरामीटर्स हैं उनको देखने से पहले हमें कुछ इसके सब पैरामीटर्स जो हैं उनको स्टडी करना होगा। सो सबसे पहले हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट मटीरियल। जब भी मैंने जो आपको इससे पहले स्पीड ऑफ लाइट की वीडियो जो है वो प्रोवाइड किया है तो उसको अगर आप सर्च करें स्पीड ऑफ लाइट 10.7 के नाम से आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। तो आप उसके अंदर देखें, मैंने वहां पे भी आपको बताया कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है विद रिस्पेक्ट टू दैट मीडियम उसकी स्पीड जो है वो चेंज हो जाएगी। तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी उसके लिहाज से स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन द रिफ्रैक्टिव और हर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डिफरेंट होगा। अभी हम देख लेते हैं कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन इज द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट सी इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट वी इन द पर्टिकुलर मीडियम। यू मीन ये रेशियो है, अगर हम बात करें एम जो है दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो सी जो स्पीड ऑफ लाइट है द रेशियो विद द स्पीड विद द पर्टिकुलर मीडियम, उस खास मीडियम के अंदर जो स्पीड होगी लाइट की उसका और स्पीड ऑफ लाइट के अगर हम रेशियो ले ले दैट वुड बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और हर मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट होगी दैट मींस उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिफरेंट ही होगा। सो जब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन की तो रिफ्रैक्शन हमारे पास क्या है, रिफ्रैक्शन व्हेन लाइट इंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट बेंड्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, दिस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है मतलब जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर इंटर हो रही है तो वो बेंड हो जाती है उसके अपने पास के दरमियान, हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं बेंड्स अराउंड एजेस, जो अपने एजेस के अराउंड जो है वो बेंड हो जाती है, दैट इज द रिफ्रैक्शन। इफ द लाइट इंटर्स फ्रॉम द डेंसर टू द रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये अभी हम देखेंगे कि जब लाइट इंटर हो रही हो कहां से नॉर्मल इंटर फ्रॉम डेंसर टू द रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम में से रेयर मीडियम, जैसे अगर हम बात करें कि वाटर की बात कर लेते हैं हम ग्लास मीडियम की बात कर लेते हैं तो वो हमारे पास क्या है डेंसर मीडियम्स हैं, उनमें से उनके अंदर जब लाइट जो है इंटर करेगी तो वो बेंड करेगी इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो
से अवेयर जाएगी. सो द अमाउंट एंड डायरेक्शन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन इज डिटरमिंड बाय द अमाउंट ऑफ डिफरेंसेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस एज वेल एज द एंगल्स व्हिच द लाइट रेज स्ट्राइक्स द बाउंड्री बिटवीन द टू मीडिया. सो दैट्स वेरी सिंपल पॉइंट. सो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास ये एक डायग्राम है. आप इससे ऑब्जर्व कर लीजिए हमारे पास एक लाइट सोर्स. अब उस लाइट सोर्स में से हमने 5 रेज को एज अ सैंपल ले लिया कि डिफरेंट एंगल्स पे. ये हमारे पास फर्स्ट रे जो है नॉर्मल के साथ है 90 डिग्री के एंगल पे है. उसके बाद ये रे कुछ ज्यादा एंगल हो गया, इसका और एंगल बढ़ा दिया और एंगल हमने यहाँ पे इसका एंगल जो है देखे इस साइड से देखे तो एंगल हम कम एंगल फिर बढ़ता गया एंगल 90 डिग्री तक. अब इन सब को हम ऑब्जर्व करते हैं कि हमारा एक्चुअली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्या कॉन्सेप्ट रहता है. देखिए जब हमारे पास रे जो है बिल्कुल नॉर्मल के अलॉन्ग होगी यानी 90 डिग्री पे उस एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तब क्या होगा. द रे नॉर्मल टू द सर्फेस इज नॉट मतलब ये नॉर्मल टू द सर्फेस जो है जब 90 डिग्री पे नॉर्मल के बिल्कुल साथ नॉर्मल के लिहाज से वो बेंड भी नहीं होगी. नॉर्मल रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट भी होगा यहाँ पे. सो तो नॉट बेंड पार्ट ऑन द नॉर्मल रे इज रिफ्लेक्टेड. जब हम सेकंड रे की बात करते हैं तो उसका कुछ पोर्शन जो है वो दूसरे मीडियम मूव कर जाएगा, कुछ पोर्शन जो है वो इसी मीडियम के अंदर वापस आ जाएगा. तो क्या होगा रिफ्लेक्शन एंड ट्रांजिशन कोएफिशिएंट्स फॉर नॉन नॉर्मल इंसिडेंट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन. सो दैट इज द इक्वेशन व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड इन द 11th स्टैंडर्ड. सो इसकी बात है कि ये तो इसका कुछ पोर्शन हो गया. अब हम थर्ड रे की बात कर रहे हैं कि इसके अंदर क्या है कि अगर इस लाइट का भी कुछ पोर्शन जो है वो वापस उसी मीडियम में आ जाएगा, कुछ पोर्शन जो है वो नेक्स्ट मीडियम के अंदर जो है वो चला जाएगा. लेकिन देखें इसका नॉर्मल कहाँ पे होगा. अगर मैं आपको इसका नॉर्मल यहाँ पे ड्रा करके देता हूँ तो हम इसको ज़रा अच्छी तरह से समझ सकते हैं. देखिए हमारा इसका नॉर्मल जो है जैसे यहाँ पे ड्रा किया गया है तो इस रे का नॉर्मल जो है वो यहाँ पे आएगा. ठीक है ये नॉर्मल. अब हमने कहा था कि जब जो लाइट है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जो है वो बेंड हो जाएगी. जब ये बेंड हो रही है देखिए और इसका कुछ पोर्शन वापस जो है वो इसी मीडियम के अंदर रिफ्लेक्ट होकर भी आ रहा है. नेक्स्ट हम आ जाते हैं फोर्थ रे के ऊपर. इसमें देखिए क्रिटिकल एंगल जो है ये दिखाया गया. ये क्या होगा जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर होने के लिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमारी लाइट जो है वो दूसरे मीडियम की बाउंड्री के साथ जब जाके स्ट्राइक करेगी तो अगर तो वो उसकी रिफ्लेक्शन इतनी होती है कि वो बिल्कुल उस मीडियम के पैरेलल मूव करना स्टार्ट कर दे, मीन बाउंड्री ऑफ दीज टू मीडियम्स के पैरेलल मूव करना स्टार्ट कर दे और फिर उसका कुछ पार्ट जो है वो देखे रिफ्लेक्ट होकर वापस भी आ जाएगा. तो इन दैट केस अब इसका जो ये एंगल होगा ये वाला एंगल है दैट एंगल एक्चुअली नाउन एज द क्रिटिकल एंगल. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आगे हम इसको डिफाइन भी करते हैं क्रिटिकल एंगल क्या होता है. लेकिन अगर कोई वेव जो है रे जो है लाइट की वेव अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के लिए या हम मीडियम में ट्रांसमिट करवा रहे हैं जिस तरह भी तो उसमें अगर हमारी लाइट इस बाउंड्री के ऊपर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल के साथ स्ट्राइक करेगी तो उस रे का टोटल रिफ्लेक्शन हो जाएगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी. सो दैट इज एक्चुअली नोन एज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कंडीशन. ये याद रखनी है आपने कि जो भी को लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी उसकी तो उसका एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए. और यही मेथड अडॉप्ट किया जाता है इसके अंदर ऑप्टिकल फाइबर्स के अंदर. उसके अंदर हम जितने भी लाइट सिग्नल्स को ट्रांसमिट करवा रहे होते हैं तो उनकी ट्रांसमिशन के लिए हमने उस लाइट का जो एंगल होता है इन ऑप्टिकल फाइबर्स के अंदर वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा रखा. ठीक हो गया. सो चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्रिटिकल एंगल को डिफाइन कर लेते हैं. द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द रिफ्रैक्टेड एंगल बिकम्स 90 डिग्री दैट इज कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल. मैंने आपको बताया उसको पैरेलल हो जाता है, पैरेलल है दैट मींस उसका अब जो एंगल आ रहा है वो उसका और मीडियम के दरमियान कितना आ गया दैट इज द 90 डिग्री. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ. अब हम देखते हैं
sin theta 1 that is equal to n2 sin theta 2. So n1 is the refractive index of the medium 1, sin theta 1 is the angle of the ray which is going to transmit from one medium to another medium, uska jo angle hai, that is the theta 1. So n2 is the refractive index of the medium 2, here same the theta 2 deep. Second medium ke andar jo ray jayegi uske saath jo uska normal ke saath angle ban raha hoga, that would be the wo angle hamare paas kya hoga, theta 2 hoga. So ab iske mutabik let theta 1 is equal to theta 2. Agar hum suppose kar lete hain ki humne padha ki angle, hum suppose kar lete hain ki hamare paas agar hai theta 1 theta 2 ke equal aa rahe, aur theta 2 jo hai jaise humne critical angle ke liye kaha ki theta 2, abhi hum yahan pe actually dekhte hain kya karte hain, theta 2 क्रिटिकल एंगल के रूप में क्या कहा होगा 90 डिग्री. सो जब 90 डिग्री हो जाएगा तो हम इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करते हैं, n1 is equal to sin theta c. तो इसको हमने क्योंकि क्रिटिकल एंगल के लिए 90 डिग्री कहा था तो sin theta 1 को मैंने theta c किया, दैट मींस इट इज क्रिटिकल एंगल, और n2 sin theta यहां पे 90 डिग्री, sin 90 डिग्री वी नो दैट sin 90 डिग्री इज इक्वल 1, सो n1 sin theta 1 is equal to n2 आ जाएगा बिकॉज़ sin 90 डिग्री इज इक्वल टू 1. So, इस इक्वेशन के मुताबिक अगर हम sin theta जो क्रिटिकल एंगल है उसको कैलकुलेट करना चाहें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, sin theta c is equal to n2 over n1, means the ratio between the refractive index जो है वो हमारे पास क्रिटिकल एंगल की मालूम करने के लिए जरूरी चीज आ जाती है. जैसे हमने अगर क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें n2 over n1 की वैल्यूज पता होनी चाहिए. n2 जो है दैट इज द फॉर एयर मीडियम, यहाँ पे मैं आपको एक्सपोज वैल्यू बता देता हूँ. n2 जो है दैट इज फॉर एयर मीडियम अगर हम ले लेते हैं, और n1 फॉर वाटर ग्लास और प्लास्टिक. तो वाटर ग्लास प्लास्टिक मीडियम के हमारे पास जो एक मीडियम है और उसमें से हम n2 यानी एक एयर मीडियम के अंदर अगर वाटर अपनी वेव्स को ट्रांसमिट करवाना है तो उसके लिए हमारी कैलकुलेशन जो है वो क्या हो सकती है. सो अभी देखते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंदर फॉर इंसिडेंट एंगल्स इक्वल टू आर ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल द ग्लास एयर बाउंड्री विल एक्ट एज अ मिरर एंड नो लाइट एस्केप फ्रॉम द ग्लास. मतलब अब कंडीशन क्या है कि अगर जो एंगल है इंसिडेंट एंगल होगा, जो भी लाइट सिग्नल हम ट्रांसमिट करवाने जा रहे हैं थ्रू ऑप्टिकल फाइबर्स, उसका एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, दैट मींस टोटली हमारा वो सिग्नल जो है वो बाउंस बैक हो जाएगा इनटू द ऑप्टिकल फाइबर. और दूसरी बात, दिस फिनोमेना इज नोन एज अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एज वी हैव डिस्कस्ड बिफोर. सो क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास हमारे पास क्या है, एंड फॉर ग्लास एयर बाउंड्रीज वी हैव sin theta c is equal to n2 over n1 is equal to 1.0 over 1.5. दोनों का हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज ले ली. सो यहाँ पे साइन इनवर्स लेके अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें तो हमारे पास इन दोनों मीडियम्स के लिए जो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आएगी दैट वुड बी 41.8 डिग्री. सो नेक्स्ट इसका पार्ट जो है, हमने जब मूव करना है अपने सेकंड प्रिंसिपल की तरफ जो कि कंटीन्यूअस रिफ्रैक्शन, उससे पहले हमें कुछ पार्ट्स ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर्स जो है ना उनका पता होना चाहिए, दैट इज वेरी नेसेसरी. सो फाइबर ऑप्टिक्स केबल जो है एसेंशियली तीन पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होती है. नंबर वन जो है वो कोर होता है. कोर इज द थिन ग्लास सेंटर्ड ऑफ द फाइबर वेयर द लाइट ट्रेवल्स. कोर हैज लाइट हैज हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है बहुत ज्यादा होता है. सो सेकेंड पार्ट जो है वो क्लेडिंग होता है, दैट इज क्लेडिंग जो क्या होता है, आउटर ऑप्टिकल मटेरियल सराउंडिंग द कोर दैट रिफ्लेक्ट्स द लाइट बैक इनटू द कोर. सो जो के लाइट को बैक जो है वो कोर के अंदर भेज देता है. इस जो इसका मकसद क्या होता है, अब इसके लिए कंडीशन क्या होती है, क्लेडिंग कौन सी चूज करनी है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लेडिंग इज ऑलवेज लेस देन कोर. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है क्लेडिंग का, मतलब क्लेडिंग का हमें ऐसा मटेरियल चूज करना है जिसकी रिफ्रैक्टिव जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कोर के निस्बत कम होना चाहिए, दैट इज वेरी नेसेसरी. सेकंड वन इज द बफर कोटिंग, जो कि आउटर हम जिसको सिंपल कोटिंग कह सकते हैं या हम उसके बारे में कह सकते हैं कि वो हमने स्पोर्ट के लिए या उसको मैकेनिकल किसी भी डिस्टर्बेंस से बचाने के लिए जो यूज की जाती है.
So plastic coating that protects the fiber from damage and moisture. Hundreds of or thousands of these optical fibers are arranged in bundles in optical cables. The bundles are protected by the cable's outer covering called a jacket. So jacket carry hote hain jiske andar usko humne cover kiya tha. So ab next move karte hain continuous refraction ki taraf. Multi-mode step index fiber hai hamare paas. Multi-mode step index fiber ki hum next video ke andar inshallah main aapko bataunga types of fiber. Unme se hamare paas ek fiber ki type hai, that is the multi-mode index fiber. So is index fiber ke andar humne kuch cheeze jo hai wo seekhi hoti hai. इन चीजों को हमने बहुत प्यार के साथ और बहुत ही त्वचा के साथ सुनना है. सो दिस मोड ऑफ प्रोपोगेशन लाइट इज कंटिन्यूसली रिफ्रैक्टेड विद इन द फाइबर. अब जो मल्टी मोड इंडेक्स फाइबर है ये आप याद रखना है. नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं अगेन आपको रिमाइंड करूंगा कि इसके अंदर हमारे पास जो कौन सा प्रिंसिपल यूज हो रहा है, दैट प्रिंसिपल यूज हो रहा है कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन का. सो इसके अंदर होगा क्या, आप देखें द सेंट्रल कोर हैज हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इसके जो सेंट्रल कोर होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो बहुत ज्यादा होता है और उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होती है. सो लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस डेंसिटी. ठीक हो गया. अब बात करते हैं दिस लेयर ऑफ लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड क्लेट. मतलब सेंट्रल कोर जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, डेंसिटी भी ज्यादा होगी. जब हम क्लेडिंग की बात करते हैं तो उसकी डेंसिटी भी कम होगी और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम होगा. दिस लेयर ऑफ वो तो इसको हम दैट इज एक्चुअली नोन एज क्लेडिंग. सो सच टाइप ऑफ फाइबर इज कॉल्ड मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर. इनके अंदर हमारे पास ये जो है कंटीन्यूअस रिफ्रैक्शन का मेथड यूज हो रहा था. तो इसके अंदर प्रोपगेशन ऑफ लाइट कैसे होती है. इन मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर a ray of light entering the optical fiber is continuously reflected and then transmitted. अब इसके अंदर होता क्या है कि रे जो है वो मूव करती करती जाती है, continuously reflected होती जाती है और एंड पे जाके वो रे जो है उसकी कंप्लीट जो है वो रिफ्लेक्शन हो जाती है. जैसे मैं आपको यहाँ पे ड्रा करके बताता हूँ कि हमारे पास ये देखिए ये हमारे पास कोर है. अब इसमें यहाँ से हमने सिग्नल को ट्रांसमिट किया, जब वो आएगा इसके अंदर तो उसकी कंटिन्यूसली जो है वो रिफ्लेक्शन होती जाएगी. अब इस कंटिन्यूस रिफ्लेक्शन के बाद वो जो पार्ट होगा उसका ऐसे रिफ्लेक्शन होती जाएगी. जब वो कोर के पास पहुंचेगा तो यहाँ पे तक पहुंचते हुए उसका क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल हो जाएगा और ड्यू टू दैट रीजन क्या होगा कि उसकी यहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी एंड अगेन वो हमारी वेव जो है इस तरह मूव करती जाएगी. यहाँ पे जब पहुंचेगी फिर उसका एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा, यहाँ से फिर वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के तहत बैक आ जाएगी. सो दैट इज एक्चुअली द पर्पस कि जिसके जरिए हम ये वाला मेथड जो है इसको यूज करते हैं, दैट इज द कंटीन्यूअस रिफ्रैक्शन. नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको इससे अगले पार्ट्स जो हैं ऑप्टिकल फाइबर्स के उनके बारे में बताऊंगा. सो तब तक के लिए आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा एंड काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस मुझे जरूर दें. थैंक यू वेरी मच.